बेटे से 72 हुरे संभले नहीं, इसलिए उसने अपने बाप और चाचा को भी बुला लिया। आज इन लोगों ने हिंदुओं को आतंकवादी बना दिया। जो कल तक ही कहते थे ना कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, 2 मिनट के लिए पुलिस हटा दी, पता पड़ गया क्या क्या चीज है। आज वो बौखलाया हुआ है, पहले गाड़ी पलटी, 3-4 दिन पहले बाइक पलटी, आने वाले टाइम में देखना साइकिल भी पलट जाएगी। 1989 में 5 बार से अभी तक विधायक बना हुआ है, उसके बाद एमपी बना। ये देश का बहुत दुर्भाग्य है मेरे भाई कि हमारे देश में अनपढ़ लोग पार्लियामेंट में जाके बैठ रहे हैं और हमारे देश के पढ़े लिखे लोग बेरोजगारों की तरह ठेलिया खींच रहे हैं। अगर एक आम जनता की हत्या हो जाती ना उन पुलिस वालों से, तो ये जितने भी है ना नेशनल, ये ह्यूमन राइट्स वाले, ये ह्यूमन राइट्स वाले छाती पे खड़े हो जाते यूपी की। एक अतीक अहमद 10वीं फेल इंसान भाषण दे रहा है और अखिलेश यादव बैठा हुआ है, उसके भाषण सुनना है कि यूपी की राजनीति कैसे होगी, अच्छा। यूपी को कैसे चलाना है। अब यूपी को कोई सरकार नहीं, कोई पढ़े लिखे लोग नहीं, आईएएस पीसीएस यूपीएससी वाले लोग नहीं, अब यूपी को अतीक अहमद जैसे लोग चलाएंगे, मुख्तार अंसारी जैसे लोग चलाएंगे, आजम खान जैसे लोग चलाएंगे, गुड्डू मुस्लिम जैसे लोग चलाएंगे। आकाश जी ये बताओ कि जिस तरीके से अतीक अहमद को बीच बाजार में अस्पताल के सामने मीडिया के सामने लाइव चल रहा था उस दौरान उसको मार दिया गया, ठीक है, पुलिस भी वहाँ मौजूद थी, पुलिस कुछ नहीं कर पाई। अब जो इस पर आरोप है ना, आरोप योगी जी पे लग रहा है कि योगी जी के रहते हुए भी जो कानून व्यवस्था है उसकी धज्जियाँ उड़ रही हैं, अतीक अहमद को दिन दहाड़े मार दिया गया। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा और आपकी जनता को बताना चाहूंगा, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई सपोर्ट ही नहीं करता। और आपने जो बात कही है पुलिस की, ये पुलिस आपको तब नहीं दिखती जब पुलवा, ये जो पालघर में, महाराष्ट्र में पालघर में साधुओं को वामपंथी लोगों के हाथों में छोड़ दिया जाता है, ये पुलिस आपको तब नहीं दिखती जब इंदिरा गांधी की मौत होती है, उनके सिक्योरिटी गार्ड के डेथ करते हैं और वहां पे जितने भी पुलिस वाले खड़े होते हैं उन पर कोई सवाल नहीं उठाता, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं आता। राजीव गांधी को मारा जाता है, पुलिस वाले देखते रहते हैं, तब कोई लोकतंत्र खतरे में नहीं आता। आप एक बात बताइए, आप लोगों की और आपके ऑडियंस को भी कह रहा हूं, ये धर्म देख के इनका न्याय की आग क्यों निकल रही है, क्यों निकल रही है धर्म को देख के? आप बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टॉपिक हैं, अभी ओवैसी कह रहा है, ओवैसी ये कह रहा है कि जानी ये जुनेद नासिर, ये जो मोनू मानेसर का केस था जो गौ रक्षक की उसमें हत्या कर रहे हैं, एक बात बोलूं, आज इन लोगों ने हिंदुओं को आतंकवादी बना दिया। जो कल तक ही कहते थे ना कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, 2 मिनट के लिए पुलिस हटा दी, पता पड़ गया क्या क्या चीज है, आज वो बौखलाया हुआ है। तो ये कहने वाली बात है, इन लोगों को धर्म देख के इनकी न्याय की आग निकल रही है। और रही बात पुलिस वालों की, पुलिस वालों को योगी जी सस्पेंड कर चुके हैं, कर चुके हैं। और अब एक बात बताऊं, अभी ये लोग पुलिस वालों की बातें लेके आ रहे हैं, अगर पुलिस वाले गलती से भी गोली चला देते, अगर उन तीनों आरोपियों के ऊपर चला देते गोली और एक पब्लिक की, एक जनता जो आम जनता है, अगर एक आम जनता की हत्या हो जाती ना उन पुलिस वालों से, तो ये जितने भी है ना नेशनल, ये ह्यूमन राइट्स वाले, ये ह्यूमन राइट्स वाले छाती पे खड़े हो जाते यूपी की। और कहते कि योगी जी तुमने एक आम जनता को कैसे मरवा दिया जी। सबसे बड़ी बात ये ह्यूमन राइट्स वाले तब नहीं आते जब क्या कहते हैं नूपुर शर्मा को सरतन से जुदा करने की बारी आती है, ये तब नहीं आते जब पुलपाल घर में साधुओं को मारा जाता है, ये तभी आते हैं जब अल्पसंख्यक को खतरे में होता है। एक बात बताइए, हमारा देश सेक्युलर है, हमारा देश सेक्युलर है मतलब धर्म निरपेक्ष है। अब जब धर्म निरपेक्ष है, जब सब धर्म बराबर है और सब धर्मों का है, तो हमारे ही देश में अल्पसंख्यक लोग कैसे हो रहे हैं, अपने ही देश में वो अल्पसंख्यक कैसे हैं, बहुत दुख की बात है। जगह 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 से अलग अलग वर्ल्ड से इंटरनेशनल लेवल के माफिया को बचाने के चक्कर में है, तो ये कहां, ये क्या समझी जाए, सारी समझ जाए है? हमारे देश का लोकतंत्र देखो, पहली बात मैं लोकतंत्र को गाली नहीं दूंगा, हमारे देश का विपक्ष देखो, जहां भारत देश में सब का समर्थन करना चाहिए वहां माफियाओं का समर्थन कर रहा है। सबको माफिया की वो तो दिख गई लाश, लेकिन किसी को भी उमेश पाल की माँ के आंसू नहीं दिखे, किसी को भी पूजा पाल का पति राजू पाल उसकी हत्या नहीं दिखी। सबसे बड़ी बात, हमारा जुडिशरी, हमारा संविधान कहता है कि अगर आपको संविधान, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में बैठना है तो 12वीं पास होना जरूरी है। ये तो दसवीं फेल छपरी था। 1989 में 5 बार से अभी तक विधायक बना हुआ है, उसके बाद एमपी बना। ये देश का बहुत दुर्भाग्य है मेरे भाई कि हमारे देश में अनपढ़ लोग संविधानसभा में जाके बैठ रहे हैं, पार्लियामेंट में जाके बैठ रहे हैं और हमारे देश के पढ़े लिखे लोग बेरोजगारों की तरह ठेलिया खींच रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, हमारे देश में क्या है, हमारे देश में धर्म और जातियां देख के न्याय की आग निकलती है। हमेशा दोगलापन इनके अंदर रहेगा, पहले गाड़ी पलटी, 3-4 दिन पहले बाइक पलटी, आने वाले टाइम में देखना साइकिल भी पलट जाएगी। अच्छा, किसकी कहां निशाना लगा रहे हैं भाई साहब? निशाना देखो, अखिलेश यादव पहली बात तो देखो भाई, उसका हिंदू नाम तो हो नहीं सकता। जो बंदा रामचरितमानस जला रहा है उसका नाम तो हो नहीं सकता। और हम अपने टॉपिक से वैसे भटक रहे हैं, आप मीडिया वाले हो, मुझे नहीं पता बिके हुए हो गोदी मीडिया हो कौन सी मीडिया हो, आप अतीक का प्रमोशन कर रहे हो, ये
ये अतीक की बाइट ले लेके प्रमोशन कर रहा है अतीक का। अच्छा। आप एक बात बताइए, वो जो दो पुलिस वाले मारे गए थे उमेश पाल हत्याकांड में, उनका नाम बताइए। बताइए हूँ क्या कर रहे, नाम बताइए इसका, पुलिस वालों का जो दो पुलिस नाम आए नहीं, कोई मीडिया चलाए नहीं, कोई दिखाए नहीं उसका। यही तो बात है, आप मीडिया अखिलेश यादव भी नहीं आए, ओवैसी भी नहीं आए उसको। भाई आप प्रमोशन कर रहे हो, सबसे बड़ी बात यही तो है। जो रवीश कुमार कल तक कहता था जब 35 टुकड़ों में लड़की कटती थी, आप इसको धर्म के मतलब से मत देखिए, लेकिन जब हाथरस में सीन होता है आप देखिए, इस जाति ने इस जाति के साथ ऐसा करा, इस जाति ने इस जाति के साथ ऐसा करा। कोई भी उन दो पुलिस वालों का नाम क्यों नहीं ले रहा, वो दो पुलिस वाले भी तो किसी माँ के बेटे थे। आपको उसका तो परिवार दिख रहा है कि उसका बाप अतीक था, उसका चाचा अशरफ अली था, उसका ये भाई गुड्डू मुस्लिम था, लेकिन आपको वो क्यों नहीं दिख रहे जो दो पुलिस वाले, वो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं। सबसे बड़ी बात कोई नाम ही नहीं। लेकिन अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अतीक अतीक अहमद के मरने के बाद है ना, भय का माहौल हो चुका है, डर का माहौल है उत्तर प्रदेश में। पहली बात तो यूपी की जनता किसी से डरी नहीं। दूसरी बात है, जो माफिया को पालने वाले थे, जो संरक्षण देने वाले थे, वो यही लोग हैं। आप उनकी फोटो देखना, ये बहुत बड़े बड़े मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो लोग हैं, पार्लियामेंट में जाके इतनी बड़ी फोटो, इनके औकात नहीं इतनी बड़ी फोटो खरीदने की, तब भी खरीद के जाते और दिखाते हैं अडानी और अंबानी का रिश्ता। लेकिन ये विधानसभा में जाके, यूपी विधानसभा में क्यों नहीं दिखा रहे कि क्या कहते अतीक अहमद और अखिलेश यादव का रिश्ता। एक अतीक अहमद 10वीं फेल इंसान भाषण दे रहा है और अखिलेश यादव बैठा हुआ है, उसके भाषण सुनना है कि यूपी की राजनीति कैसे होगी। अच्छा। यूपी को कैसे चलाना है। अब यूपी को कोई सरकार नहीं, कोई पढ़े लिखे लोग नहीं, आईएएस पीसीएस यूपीएससी वाले लोग नहीं, अब यूपी को अतीक अहमद जैसे लोग चलाएंगे, मुख्तार अंसारी जैसे लोग चलाएंगे, आजम खान जैसे लोग चलाएंगे, गुड्डू मुस्लिम जैसे लोग चलाएंगे और असद जैसे लोग चलाएंगे। सवाल ये उठ रहा है कि मुसलमान भाई हमारे, उनको अपना मसीहा क्यों मान रहे हैं अतीक अहमद को, उसके मरने के बाद इतना अफसोस क्यों हो रहा है? क्योंकि वो सच्चा मुसलमान है ही। आपको अतीक अहमद का थोड़ा वो बता देता हूँ, अभी मायावती का भी चिट्टा खोल खोलूंगा। और इन मुसलमान है जो दोगले हैं, जो अतीक अहमद का सपोर्ट कर रहे हैं, जो सच्चा मुसलमान है वो तो सपोर्ट कर ही नहीं रहा अतीक अहमद का। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि अतीक अहमद ने कुरान की झूठी कसम खाई थी। जब वो जेल में जाता था झूठी कसम खाता था, तो वो कैसे मान सकते हैं? एक तरफ रोजे चल रहे हैं, वो तो कहने वाली बात है भाई साहब। ये असद और अतीक अहमद और ये अशरफ अली बहुत ही सौभाग्य किस्म के हैं, बेटे से 72 हुरे समले नहीं, इसलिए उसने अपने बाप और चाचा को भी बुला लिया। और आपका क्वेश्चन क्या था, मैं भूल गया। हाँ, मुस्लिम वाला, कुरान की जो इंसान झूठी कसम खा रहा है वो उसके चक्कर में आ रहे हैं, उसको तो अतीक अहमद को ऐसा बना दिया कि अमीरों से लेता गरीबों को देता, रोबिन हुड बता दिया। बताओ हमारे देश का बीबीसी जो डॉक्यूमेंट्री बनाता है गोधरा कांड के ऊपर, लेकिन उसे अतीक अहमद को रॉबिन हुड बनाया जा रहा है। अब आ जाता है मायावती की बात। असद का जब एनकाउंटर होता है तो मायावती क्या कहती है स्टेटमेंट में अपने, ये योगी बहुत जालिम इंसान है, ये कुछ ना कुछ गलत कर रहा है, ये संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अरे मायावती जी और मायावती जी के कुछ अखरोट, मैं भी दलित, मैं भी शेड्यूल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। मायावती को आपको पता है गेस्ट हाउस कांड में मायावती को मरवाने की पूरी साजिश थी अतीक अहमद की। अच्छा। क्यों नहीं मायावती के टट्टू आए? आप बताइए, जो लोग कहते भाई मैं तो जय भीम वाला हूँ, मैं तो जय श्री राम, जय भीम, जय महाराणा प्रताप कहता हूँ, कोई होंगे जय भीम वाले? ये लोग जब मायावती को मारा गया था, हमारी मुख्यमंत्री उस वक्त, तो हमारी मुख्यमंत्री थी, मुख्यमंत्री को मारने की साजिश चल रही थी, तब मायावती कहाँ जाके छुप गई थी? आज उन्हीं के साथ मैं बता रहा हूँ, ये जो कुछ लोग हैं ना, अगर इनको कहोगे कि अपने घर पे जाके अपनी मम्मी से पूछना कि मम्मी मेरे पैदा होने से पहले कहीं अब्दुल चाचा तो मेरे घर पे नहीं आते थे, कहीं ना कहीं उनके वंश जरूर निकलेंगे। ये बात की मैं सच्चाई दे रहा हूँ। जो इंसान अपनों का सगा नहीं हो सका, यार मैं नहीं कह रहा कि योगी को मानो मोदी को मानो, मैं क्यों कहूँ, मैं ये भी नहीं कह रहा तुम अपने हिंदू समाज को मानो, मैं ये भी नहीं कह रहा तुम अपने सनातन धर्म समाज को मानो, मैं ये कह रहा हूँ कम से कम तुम अपने दलित समाज को तो मानो। जो मायावती तुम्हारे लिए खड़ी हुई थी गेस्ट हाउस कांड में, मायावती को मरवाने की पूरी साजिश थी, तुम आज उसके साथ खड़े हो, है? अतीक अहमद, आपको पता होगा लैंड जिहाद, ये सब जिस जिहादों में, पहली बात ये साले जिहादी हैं, इनके चक्कर में अच्छे मुस्लिम बदनाम होते हैं। आप बताइए संरक्षण सबसे ज्यादा ये पालने वाले कौन थे? एक माँ होती है, वो 9 महीने अपने बेट में बच्चा रखती है, बहुत पेन होता है उसे और तब जाके वो पैदा करती है। लेकिन अखिलेश यादव के पास पता नहीं कि कुदरती करिश्मा है, वो बिना बच्चा पैदा करे वो इतने सारे माफिया को पाल लिया। अच्छा। ये बहुत दुख की बात है कि हमारा उत्तर प्रदेश माफिया से अभी भी भरा हुआ है। अच्छा। मैं पहले सोचता था कि योगी जी जब से आई यूपी में तब से माफिया राज खत्म हो गया, लेकिन अब मेरे को धीरे धीरे करके पता लग रहा है। अच्छा। कि हमारे देश में अभी भी माफिया, और हमारे उत्तर प्रदेश में। हाँ। खैर उत्तर प्रदेश में नहीं, पहली बात तो कहते हैं ना कि अगर एनकाउंटर हो रहे हैं तो हमें दिख रहा है।